वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव नंबर 13। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सभी वंच जैसे 11 गुना में 11, 111 गुना में 111, 1111 गुना में 1111 और इसी तरह इनकी हम शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे तो हमें पता ही है कि 121 आएगा, लेकिन शॉर्टकट तरीके से ये हमें कैसे आया। तो यहाँ पे हमें जो 11 है इसमें जो वंज है मतलब एक दो बार है, तो हम एक दो दो तक लिखते हैं सीधी काउंटिंग। अब दो से उल्टा लिखना शुरू करते हैं एंड तक एक तक एक, तो ये हमारे पास आ गया 121। जैसे इसके लिए लेते हैं, यहां पे तीन वंज है मतलब तीन एक ही है, तो हम एक दो तीन तीन तक लिखते हैं, फिर उल्टा लिखते हैं एक तक दो एक, ये हमारा आंसर आ गया। तीसरी एग्जांपल लेते हैं इसकी, जहां पे चार है तो हम एक दो तीन चार, अब उल्टा एक तक लिखते हैं तीन दो एक। अगर पांच हो तो एक दो तीन चार पांच और उल्टा एक तक चार तीन दो एक, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग ट्रिक है जी। ठीक है, हम देखते हैं कि एक पैटर्न जैसा भी बन जाता है जी, तो माइंड में ही इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को ऑल नाइंस मतलब 9 या 99 999 इनके साथ हम कैसे शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।